मेरा पवन सिंगला कहाँ का रहने वाली हूँ? सिरसा में कोऑपरेटिव बैंक वाली गली में। तो क्या प्रॉब्लम है, किस तरह आपको चोट लगी? ये गली में पीछे इफको खाद सेंटर है, वहाँ पे दुनिया भर के ट्रक ट्राले टाटा एस पूरी गली बंद कर देते हैं, न पैदल भी नहीं जा सकता न आ सकता है कोई। हमने उसको काफ़ी बार कह दिया अभी ये आप ठीक करो, गाड़ियाँ कम लगाओ, लेकिन वो कोई सुनाई नहीं है। मार्केट के बटे पर भी फ़ोन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक पूरी गली की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, एकदम पूरा गंद मचा हुआ है। और मैं हम हमारे घर तक भी नहीं जा सकते, वो पूरा एरिया जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है सारा, सब मकान में रहते हैं आमने सामने ऊपर नीचे। अब मैं रहता हूँ, मैंने कहा गाड़ियाँ हटा लो यार, घर जाना है, घर तो जाएंगे, तो कोई सुनवाई नहीं है वहाँ, कोई गाड़ी नहीं हटाई। मेरा वहाँ पे मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, मेरे लगी यहाँ टांके आई है चार नीचे टांग पे, और किसी ने उठाया तक नहीं मेरे को, इतने खड़े थे लोग बाग वहाँ पे, किसी ने नहीं उठाया। और उनके आगे भी फ्रंट में भी इसका वो गेट है, लेकिन हमने कहा भी उधर आपके स्पेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर लिया करो, वहाँ पे करवा दिया करो, कर नहीं पीछे से करवाएंगे हम, तो कोई सुनाई नहीं है। तो ऐसे कौन होगा जो वहाँ जाम वगैरह करते हैं? ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है या? ट्रांसपोर्ट का ऑफिस नहीं है, इफको का खाद सेंटर की दुकान है वहाँ पे। खाद सेंटर की, वो खाद, हाँ नीचे नीचे सारी खादों की दुकानें हैं सारी, वहाँ पे ट्राले आते हैं बड़े बड़े, न जा सकते हैं घर में न आ सकते हैं, और कोई सुनवाई नहीं है। तो आपका कभी ये मोटरसाइकिल कब हुआ था? मोटरसाइकिल अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। हाँ, और मेरी कार है, मेरी कार कई दिन पहले मेरी कार के पीछे की लाइटें तोड़ गया, और साइड वाला जो गेट है वो सारा तोड़ गया, और जहाँ से तेल डलवाते हैं वो पूरा फाट दिया, नई कार थी बिल्कुल। क्या, क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि पीछे ये इतना जाम लगा हुआ वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, कोई बच्चा ट्रक के नीचे ट्राले के नीचे भी आ सकता है, बच्चे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, ऊपर भी मकान में रहते हैं लोग, नीचे भी मकान में रहते हैं, कोई नहीं हुआ। सी एम विंडो में भी किया हमने, एप्लीकेशन लिखे, कमेटी में भी किया, फ़ोन भी किया, कोई सुनवाई नहीं है। मैं अकाउंटेंट हूँ।